नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है संडे का दिन, 28 जनवरी, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। धुंध आज सुबह से इतनी भयंकर हो रखी है, दूसरा घर हमारे बगल में दिखाई नहीं दे रहा है। कल तक मौसम बहुत बढ़िया था, धूप खिली हुई थी, लेकिन आज देखो मैं आपको और साफ दिखाता हूँ। मोहल्ले में हमको दूसरा मकान नहीं दिख रहा है, ये नज़दीक है तो ये दिख रहा है, और ये बैक साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप कितनी भयंकर धुंध आज छा रखी है। ये देखिए दोस्तों, आज हमारा घूमने का प्लान बन रहा था क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड में सोचा हम आज कहीं घूमने जाएंगे, तो ऐसे में तो दोस्तों कहीं घूमने जाना भी बेकार है क्योंकि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखते दोस्तों कब आसमान साफ होता है, धुंध छटती है। इस सर्दी में ऋषिकेश में ऐसी धुंध अभी तक नहीं पड़ी है, आज पहली बार मैं ऐसी धुंध देख रहा हूँ। हरिद्वार में तो ऐसी धुंध आजकल डेली चल रही थी एक डेढ़ हफ्ते से, लेकिन यहाँ पर पहली बार मैं ऐसी धुंध देख रहा हूँ कि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। बच्चे यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, बचपन ऐसा ही होता है दोस्तों। आज बंदर भी आए यहाँ पे क्योंकि जंगल में उनको विजिबिलिटी ज़ीरो दिखी होगी, तो बोले आज मोहल्ले की तरफ चलते हैं। दोस्तों ठंड आज बहुत हो रखी है, बहुत ज़्यादा। ये देखो बंदर, बंदर भी आज चहलकदमी मोहल्ले की तरफ जो है दिखाई दे रहे हैं। वानर सेना पूरी आ गई, इधर इधर ही आएगी वो। अनिका गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? आपकी वीडियो बना रहा, रो क्यों रहे आप? बाहर का मौसम मौसम देखेगी? अनिका सुबह सुबह ऐसे ही करती, बाहर का मौसम देखेगी? बहुत ख़राब हो रखा। आत्म सोच रहे थे घूमने जाने का, लेकिन कैसे जाएंगे, देखोगी? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो कितना मस्त हो रखा मौसम, धूप आ रखी है बढ़िया वाली। वाह कितनी अच्छी धूप आ रखी ना। ऐसे में कैसे जाएंगे यार बाबू हम? अनिका ऐसे में कैसे जाएंगे हम, ठंडा इतना हो रखा है। कहाँ जाना था आपने आज घूमने, प्लान कहाँ का बना था हमारा आज? पार्क। कौन सा पार्क, झूला भी करना था आपने? चल जब धूप आ जाएगी तब चलेंगे, ठीक है? ना अभी चलना है, चल ठीक है ठीक है। अनिका दादी की गोद में चले गए हम, आज ठंडा बहुत है ना, तो आज हम हीटर का सहारा लेंगे। आज तो हम रजाई के अंदर बैठ गए, तो जानते हैं अनिका ऐसा अनिका अपना जंगल टूम्स देख रही है। क्या है ये, लकड़ी की काठी? लकड़ी की काठी, काठी में घोड़ा, लकड़ी दुम पे अनिका ने मारा हथौड़ा, काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे जो मारा हथौड़ा। चाय की चुस्की के साथ अब नाश्ता बनाने की तैयारी है। नाश्ते में आज है आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म हलवा।
तो दोस्तों नाश्ता रेडी हो गया। नाश्ते में आलू गोभी की सब्जी, हलवा, रोटी और आलू चने की दाल। तो करते हैं नाश्ता और उसके बाद देखते हैं बाहर का कैसा मौसम है, जाने लायक है कि नहीं। शाम के 4:15 हो रहे हैं और मौसम में इतना बदलाव आया नहीं है। धुंध थोड़ा बहुत छट गई है लेकिन शीत लहर चल रही है, ठंडा ठीक ठाक है। और अभी हम जा रहे हैं जानकी सेतु से होते हुए पल्ली पार स्वर्गाश्रम परमार्थ निकेतन की तरफ। तो दिखाते हैं आपको कैसा वहाँ का हाल है। हम लोग वानप्रस्थ आश्रम के सामने जो रोड है परमार्थ निकेतन को जाती है वहाँ पर है, और उसी के सामने वानप्रस्थ आश्रम का एक प्यारा सा घाट है, उस घाट पर चलते हैं। अभी 1 घंटे बाद आरती शुरू होने वाली है परमार्थ निकेतन में, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा रौनक अभी हो गई है शाम को, लेकिन आजकल घाट यहाँ पर खाली है दोस्तों। वानप्रस्थ आश्रम का ये घाट आप देख सकते हैं, साफ सुथरा घाट है और पतित पावनी माँ गंगा कल कल यहाँ बह रही है। आजकल जल काफ़ी कम हो रखा है क्योंकि पहाड़ों में ना तो बारिश हो रही है ना ही बर्फबारी हो रही है, और ठंडा एकदम साफ सुथरा पानी यहाँ पर बह रहा है। सामने आप देख सकते हैं जानकी झूला का मनमोहक दृश्य। मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है, सुबह तो धुंध छा रखी थी लेकिन अभी धुंध थोड़ा कम हो गई है, पर शीत लहर चल रही है बहुत ज्यादा वाली। और यहीं थोड़ी दूर परमार्थ निकेतन आश्रम में हम लोग आ गए हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है, लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इसी के ठीक सामने परमार्थ निकेतन का एक फेमस घाट है जहाँ पर कि वर्ल्ड फेमस गंगा आरती होती है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। 1 घंटे बाद लगभग 5 बजे यहाँ पर आरती स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने परमार्थ निकेतन की गंगा आरती नहीं देखी है तो मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है संपूर्ण गंगा आरती की, मैं आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से गंगा आरती देख सकते हैं। गांधी जी देखो, गांधी जी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो स्वामी विवेकानंद। गांधी जी नहीं है, विवेकानंद जी है, विवेकानंद। दोस्तों अगर आप परमार्थ निकेतन आश्रम की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने परमार्थ निकेतन आश्रम के बारे में सभी कुछ डिटेल से बता रखा है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।